एक बड़ी खबर दरभंगा से निकल कर आ रही है, जहां दरभंगा में मालगाड़ी की तीन बोगिया हुई बेपटरी, घंटों बाधित रहा यातायात। या बड़ी खबर दरभंगा से निकल कर आ रही है, जहां दरभंगा में तीन बोगिया मालगाड़ी की बेपटरी हो गई। डीआरएम समस्तीपुर ने सेंटिंग के दौरान तीन बोगियों के पटरी से उतरने की पुष्टि की है। बिहार के दरभंगा से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां एक मालगाड़ी के तीन डब्बे बेपटरी हो गए। मालगाड़ी बेपटरी होने के कारण कई घंटे तक रेल यातायात ठप रहा। यह हादसा बुधवार की देर रात को दरभंगा जंक्शन के निकट दरभंगा सीतामढ़ी रेलखंड के कंगवा गुमती के पास हुआ है। बताया जाता है कि बुधवार मध्य रात्रि को मालगाड़ी की सेंटिंग किया जा रहा था। इसी दौरान कंगवा गुमती संख्या एक पर मालगाड़ी की तीन बोगिया बेपटरी हो गई। अफरा तफरी मच गई। इस घटना से रेलवे के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। घटना की जानकारी मिलते ही समस्तीपुर मंडल के डीआरएम विनय श्रीवास्तव भी दरभंगा पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि शीघ्र ही इस फाटक पर यातायात बहाल कर दिया जाएगा। तीन डब्बे बेपटरिया होकर उतर जाने के कारण रेल परिचालन बाधित है। साथ ही बेला मनीगाछी रूट पर पूरी तरीके से बाधित हो गया। अब सिर्फ एक ही बोगी को पटरी पर लाया गया है। आपको बता दें, सभी पटरियां पर ला दी गई बोगी और आज यातायात सुचारू ढंग से चालू कर दिया गया। आपको बता दें, दरभंगा सकरी रोड पर आवागमन बाधित रहा। इस दौरान लोगों ने जान पर खेल कर गुमती पार करते दिखे। कई मालगाड़ी के डब्बों के बीच से पार करते दिखे तो कई मालगाड़ी के नीचे से पार कर रहा था। रेलवे के अधिकारियों की ओर से रात भर काम किए जाने के बाद आज सुबह करीबन 9:30 बजे उक्त जगह से आवाजाही शुरू कर की जा सकी। मौके पर पहुंचे डीआरएम ने घटना की जांच करने के आदेश दिए हैं। उधर ट्रेन के देरी के चलते दानापुर स्टेशन पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। बताया जाता है कि एक ट्रेन जो लगभग 24 घंटे लोकमान तिलक स्पेशल ट्रेन जो देरी से चली, इस वजह से नाराज यात्री हंगामा किए। वही अब सुचारू ढंग से अब उस फाटक से रेलवे यातायात बहाल कर दिया गया है। आगे देखिए डीआरएम समस्तीपुर ने क्या कुछ कहा है उक्त मामले को लेकर। यहाँ कल रात में एक मालगाड़ी आ रही थी जबलपुर से सीमेंट लेके दरभंगा के लिए, उसके तीन वैगन जो हैं डिरेल हो गए थे, अभी सारे डिरेल हो चुके हैं। सर, क्या कुछ जानकारी आपको मिली है? त्वरित कार्रवाई करते हुए जो कार्य हुआ इस संबंध में क्या करना? प्रथम दृष्टया तो हमने ये पाया कि एक तो ओवरलोडिंग थी वैगन्स में, करीब 150 बोरे एक्स्ट्रा थे इन तीनों वैगन्स में, और अनइवन लोडिंग भी थी, मतलब कि कुछ तरफ बहुत ज़्यादा बोरे लोडेड थे, कुछ तरफ बहुत कम थे, मतलब तो हो सकता है वो कारण हो, प्रथम दृष्टया ये लग रहा है। बाकी और भी जाँच चल रही है, जाँच समिति बना दी गई है, तीन अधिकारियों की रिपोर्ट देगी तो फिर पता चल जाएगा। तो सर माना जाए, इसका मतलब यह हुआ कि अगर